भूकंप पृथ्वी की सतह अनेक चट्टानों के संयोग से बनी है जिन्हें विवर्तनक प्लेट कहते हैं। ये प्लेट अर्ध तरल चट्टानों के ऊपर तैरती रहती हैं। अर्ध तरल चट्टानों को मैटल भी कहते हैं। जब दो विवर्तनिक प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं तो भूगर्भ में कंपन होने लगता है जिसके प्रभाव से भू पृष्ठ हिलने लगता है जिसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण भूकंप मुख्यतः निम्न कारणों से आता है। पहला, पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी का भीतरी भाग निरंतर ठंडा होकर सिकुड़ रहा है। पृथ्वी के भीतरी भाग के सिकुड़ने का भूपटल में इतना दबाव पड़ता है कि वह नीचे को बैठने का प्रयत्न करता है जिससे भूमि कंपन हो जाता है। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट। जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ के आसपास का क्षेत्र कप उठता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप सीमित क्षेत्र में आता है तथा यह कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे विस्फोट से भयंकर भूकंप भी आता है। ज्वालामुखी क्षेत्र में कई बार ज्वालामुखी विस्फोट के बिना भी भूकंप आते हैं।